हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.11। इसमें कह रहा है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन टू CO2 इज -393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, कैलकुलेट द हीट रिलीज्ड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन एंड डाइऑक्सीजन गैस। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले तो दोस्तों इसकी रिएक्शन लिखो। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन, कार्बन का कंबसन हो रहा है। देखिए कार्बन सॉलिड, ठीक है, कार्बन कंबसन का नाम लेते हैं आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? O2। ठीक है, O2 गैस। ठीक है, और बन क्या रहा है? CO2 गैस। समझ में आया? अब बैलेंसिंग कर लो। देखो कार्बन कार्बन, O2 O2, यहां तक बात समझ में आ गई। मतलब ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक है, कंबसन हो गए कार्बन का, है ना। अब इसमें जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबसन दे रखा है डेल्टा सी एच नोट इक्वल टू कितना दे रखा है? -393.5 किलो जूल पर मोल। पर मोल का मतलब क्या होता है? मतलब 393.5 किलो जूल माइनस है, मतलब कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक वो है प्रोसेस, मतलब हीट रिलीज्ड हो रही है। तो -393.5 किलो जूल हीट रिलीज्ड होगी जब वन मोल का कंबसन होगा। ठीक है, तो वन मोल में देखो वन, ठीक है, वन है ना। अब वन मोल ये तो होता है, वन मोल में 12 ग्राम। वन मोल ऑफ कार्बन का अगर मास देखे तो 12 ग्राम होता है। वन मोल ऑफ O2 का क्या कितना होता है? 32 ग्राम होता है, और ये होता 44 ग्राम। मतलब 44 ग्राम, देखो 12 ग्राम का कंबसन होगा, 12 ग्राम का कंबसन होगा तो इतना हीट रिलीज्ड होगी। क्लियर? अब ये कह रहा है, देखो दोस्तों कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ये बोले कि 12 ग्राम कार्बन का कंबसन होगा तो इतनी रिलीज्ड होगी। ठीक है, अब कितना भी पूछ सकता है। देखो अगर जैसे 12 ग्राम के लिए कितनी रिलीज्ड हो रही है? -393.5 किलो जूल। क्लियर है ना? आपसे पूछे 1 ग्राम के लिए कितना होगा तो क्या करोगे? -393.5 डिवाइड बाय 12। क्लियर? ठीक है, किलो जूल। आपको पूछे एक्स ग्राम, मतलब कुछ भी ग्राम हो, एक्स ग्राम मतलब 50, 100, 200, 300, तो क्या करोगे? -393.5 किलो जूल इंटू 12 इंटू एक्स किलो जूल। समझ में? अब ऐसे ही आपको इससे पूछ सकता है अगर 44 ग्राम CO2 फॉर्मेशन हो रहा। समझ में? ठीक है, तो 44 ग्राम अगर फॉर्मेशन होता है तब तक तो कितनी, यही बनी हुआ ना, -393.5 किलो जूल। ठीक है, आपसे पूछे कि 1 ग्राम अगर कार्बन CO2 फॉर्मेशन हो रहा तो कितनी हीट रिलीज होगी? -393.5 डिवाइड बाई 44 किलो जूल। आपसे पूछे x ग्राम के लिए कितनी हीट रिलीज होगी तो -393.5 डिवाइड बाय 44 किलो इनटू x किलो जूल। अब x आपको CO2 कितनी पूछ रहा है? 35.2 ग्राम के लिए पूछ रहा है, तो यहां लिख दो x की जगह 35.2 ग्राम -393.5 44 इनटू 35.2 हो गया, और ये हो गया किलो जूल ग्राम। ठीक है, अब मैं इसको यहां सोल्व कर देता हूं। ऊपर -393.5 डिवाइड बाय 44, माइनस हटा दूं क्या? देखो माइनस का साइन का मतलब होता है हीट रिलीज्ड हो रही है। ठीक है, और अगर प्लस का साइन होता है तो मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो माइनस मतलब समझ गए ना, हीट रिलीज होगी 44, 35.2। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करोगे? देखो पॉइंटों को हटाओ दोनों, ये हो गया 00। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई वो करो, 1, 14, 1, 6। ठीक है, और ये हो गया 22, और इसको फिर एक बार और कर लो, 8, 16, 88, और ये हो गया 11, 11, 88, 88 आ गया। तो ये हो गया 393.5 × 8 डिवाइड बाई 100। क्लियर? ठीक है, अब इसको सोल्व करो। देखो 8×40 की जीरो वहां से लगी, 8×40 की जीरो वहां से लगी 4, अब 8×3 = 24, 24×25 = 28 वहां से लगी, तो 9×72 = 74 वहां से लगी, 7 = 24
24 7 31 ठीक है, और दो से ये पड़ेगा तो 314.8 हो जाएगा किलो जूल। तो आपका आंसर आ गया 314.8 किलो जूल हीट रिलीज होगी। समझ में आया?